तो देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिमला में विपक्षी कांग्रेस पर हमला बोला और आरोप लगाया कि वो संशोधित नागरिकता कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि कानून में नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। नागरिकता कानून के समर्थन में अब लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं। समर्थन इतना तेज है कि अब विरोधियों की आवाज दब गई है। सीएए के समर्थन में महाराष्ट्र के अगस्त क्रांति मैदान की एक रैली को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने विपक्षी दलों पर भारतीय मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा, देश में जब एनआरसी लागू होने की बात होगी तो सभी को पूछा जाएगा, सभी के साथ बातचीत होगी, किसी को भी देश से निकालने का सवाल नहीं है। सीएए के समर्थन में महाराष्ट्र के भी विभिन्न इलाकों से रैलियां निकली। इस नए संशोधन को समर्थन देने के लिए लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगा यात्रा भी निकाली। समर्थन में निकली रैलियों ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया, साथ ही विरोध में आगजनी और उपद्रव करने वालों को भी सीख दी। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। नागरिकता कानून में हुए संशोधन को लेकर फैली अफवाहों से उठे विद्रोह में लोगों ने देश भर में जो रैलियां निकाली, अब प्रशासन की सख्ती के बाद उनमें कमी आई है। साथ ही भारी मात्रा में लोग समर्थन में उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत का।